वक्फ तरमीम बिल पर जेपीसी इजलास में हंगामा। कल्याण बनर्जी का हाथ जख्मी। मरकज की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीम बिल पर मंगल के रोज मुनक्किदा पार्लियामेंट्री मुश्तरिका कमेटी का इजलास इंतहाई हंगामा खेज रहा। इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद अरकान पार्लियामेंट के दरमियान गर्मा गर्म मुबासे हुए। इसी दौरान गुस्से के आलम में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के रुकन कल्याण बनर्जी ने पानी की बोतल मेज पर मारा, जिसकी वजह से इनका हाथ जख्मी हो गया। इसके बाद इजलास को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। कल्याण बनर्जी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। इसके बाद इन्हें आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी और एएपी लीडर संजय सिंह मीटिंग रूम में वापस ले आए। ताहम कमेटी के चेयरमैन जगदाम्बिका पाल ने इस मामले को हसास करार देते हुए कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया। वाज़ रहे कि गुज़श्ता रोज़ पीर को होने वाले जेपीसी की मीटिंग भी काफ़ी हंगामा खेज रही। अपोजिशन अरकान ने बीजेपी अरकान के रवैये पर सख्त तनकीद की। अपोजिशन अरकान ने वक्फ बिल पर मशवराती अमल में पर भी सवाल उठाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सियासी मुफादात के लिए मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ये बिल पेश किया है। इजलास से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए बिल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। एएचए न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।